हेलो जेवियंस, माय सेल्फ डॉक्टर रेखा कंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एट ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो अपन अभ्यंग करते हैं वो अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग, दोषों के अकॉर्डिंग अलग अलग तेल था। जैसे अपने पढ़ा था मध्यम नारायण तेल अभ्यंग इफेक्टिव कहाँ, संधिवात में, स्पेशली ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस में, एंड वात व्याधि, स्पेशली इन अपर क्लेविकल रीजन में। और जो अश्वगंधा तेल है, मामास तेल है, अभ्यंग आर यूजफुल इन लंबर स्पॉन्डियोलाइथिस एंड मांसोस में। किस किस में? मांसोस में और लंबर स्पॉन्डियोलाइथिस में। फिर है नारायण तेल, नारायण तेल इज यूजफुल इन लोअर लिम्ब जॉइंट डिसऑर्डर में। अश्वगंधा तेल, मांस तेल, अभ्यंग आर यूजफुल इन लंबर स्पॉन्डिलाइथिस एंड मांसोस में। नेक्स्ट है नारायण तेल, नारायण तेल इज यूजफुल इन लोअर लिम्ब जॉइंट डिसऑर्डर में। एंड महानारायण तेल इज बेनिफिशियल इन क्रोनिक संधिवात एंड वात व्याधि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्मुकता ऑफ अभ्यंग। ढलन मेंशन डेट वहन सनेन ड्रग एब्जॉर्ब अलोंग ऑयल टू द पर्टिकुलर धातु, इट सबसाइड और क्योर द डिजीज ऑफ दैट पर्टिकुलर धातु। चरका हैज आल्सो डिस्क्राइब दैट वायु डोमिनेट इन द स्पर्शनेन्द्रिय इट टेक्टाइल सेंसरी ऑर्गन एंड द सेंसरी ऑर्गन इज लॉक्ड इन द स्किन। द अभ्यंगा इज एक्सेसिव बेनिफिशियल टू द स्किन, सो वन शुड प्रैक्टिस इट रेगुलरली। इंद्रिया आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ माइंड, हेंस इफ इंद्रिया रिमेन हेल्थी माइंड ऑटोमेटिकली रिमेन हेल्थी, थस अभ्यंगा कीप बॉडी एंड माइंड हेल्थी। द ड्रग यूज इन अभ्यंगा हैव द स्नेप प्रॉपर्टी। They act as their property are applied to the properties of vata. The mode of action of abhyanga can be understood by the properties of snendra in the following way. गुरु गुण। अब जो अभ्यंग जो अपन स्नेह द्रव्य ले रहे हैं अभ्यंग के लिए, उसके लिए जो द्रव्य ले रहे हैं उसके कौन कौन से गुण क्यों होने चाहिए? गुरु गुण होना चाहिए, स्निग्ध गुण होना चाहिए। तो गुरु गुण का क्या है? इट इंक्रीज द बॉडी स्ट्रेंथ एंड कप। हेमाद्री कॉल्ड इट न्यूट्रिशन फॉर द बॉडी। अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, गुरु गुण है द प्रॉपर्टी लाइक वात है, कफ है एंड पुष्टिकर। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज इट एलिविएट्स द मोरबिड वाता, इंक्रीज द डिक्रीज कफ एंड न्यूरिशमेंट द बॉडी, गुरु गुण के। फिर अभ्यंग के जो ड्रग, उसमें सेकेंड गुण होता है स्निग्ध गुण। स्निग्ध गुण का क्या फंक्शन है? दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ स्नेह ड्रग। स्निग्ध गुण एक्ट थ्रू इट्स वात हेयर कफ हेयर एंड वर्सिव प्रॉपर्टी। इट परफॉर्म द एक्शन लाइक स्नेन क्लेदन एंड विसेंदन एट सेलुलर लेवल ऑफ द बॉडी। थर्ड है मृदु गुण। मृदु मीन्स सॉफ्ट। दिस इज द अपोसाइट एट्रीब्यूट ऑफ कठिन एंड हार्ड। बाय द प्रॉपर्टी अभ्यंगा रिड्यूस द स्टिफनेस। मृदु गुण के कारण जो स्टिफनेस है बॉडी में उसको कम करता है। शीत गुण इट कीप्स द माइंड हेल्थी बाय इंक्रीजिंग प्लेजर एंड एंथीसियम। इट प्रिवेंट फैंटिंग, डिक्रीज द प्रिस्पिरेशन। इट स्टेबलाइज द मसल्स एंड ऑर्गन। द्रव्य गुण, द्रव्य मीन्स लिक्विड विच कॉज ह्यूमिडिटी बाय दिस नेन ड्रग प्रोपगेट्स स्विफ्टली ऑल ओवर द बॉडी। इट लिक्विफाइड द डोज एंड मोबिलाइज देन बाय इंक्रीज देयर फॉलोइंग कैपेसिटी। सिक्स गुण है पिचिल गुण। पिचिल मीन्स स्लिमिंग। इट कॉज लॉन्गेटिविटी, इंक्रीज बॉडी स्ट्रेंथ एंड मेंटेन द स्ट्रक्चर एट मोलिकुलर लेवल। इट इंक्रीज कफ एंड प्रोड्यूस हैवीनेस। सेवंथ है मंद गुण। इट इज इंडिकेट ऑफ स्लेगिनेस। द स्नेन ड्रैग डिफ्यूज स्लोली बाय दिस एंड इट रिमेन इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दोसा धातु एंड मल फॉर लॉन्ग टाइम। सूक्ष्म गुण, एट क्या है? सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म
मीन्स सुटेबल एंड इट हेल्प द ड्रग टू एंटर द फाइन चैनल इन दिस वे अभ्यंगा एक थ्रू द अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ स्नेह बिकॉज ऑल द प्रॉपर्टीज आर अपोसाइट टू द वाता अभ्यंग इज कंसिडर यूजफुल ट्रीटमेंट इन द डिजीज अक्यूट बाई प्रोवोकेटेड वाता। देन नेक्स्ट है सार गुण। द कॉमन मीनिंग ऑफ सार इज टू स्लीप और मोरबिडिटी। इट मोबिलाइज द दोसा एंड मला वेस्ट प्रोड्यूस बाय द प्रॉपर्ली। इफेक्ट ऑफ अभ्यंगा ऑन धातु लेवल। धातु लेवल पर अभ्यंगा क्या क्या इफेक्ट है। दलन के अकॉर्डिंग है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अभ्यंगा अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ इट कंडक्ट पीरियड ऑफ स्टिंग ऑफ ऑयल एंड डिफरेंट साइड। अब डलन के अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दांतों पे फंक्शन करती है। तो उन्होंने बता रखा कि जो 300 मात्रा तक अगर अपने इस बॉडी पार्ट पे एक जगह बॉडी पार्ट पे अपने अगर प्रॉपर अभ्यंग करा 300 मात्रा तक तो वो हेयर फॉलिकल तक इफेक्ट जाके करेगी। अगर अपने 400 मात्रा तक अभ्यंग करा तो वो कहाँ तक जाएगी स्किन त्वचा तक जाएगा। एंड 500 मात्रा तक अगर वहां पे अपने अभ्यंग करा तो जाएगी रक्त ब्लड तक। एंड 600 मात्रा तक जाएगा मांस मसल्स तक। एंड 700 मात्रा तक जाएगा मेद फेट के लिए। अगर अपन को कोई डिजीज के फेट का डिजोल्व करना है तो अपन को 700 मात्रा तक करना है। अगर मसल्स पेन है तो 600 मात्रा तक करना है। डेन बता रखा है कि 800 मात्रा तक करेंगे तो जो बोन अस्थि शूल है उस पे इफेक्ट करेगा। डेन बोन मेरो मज्जा तक इफेक्ट डालना है अगर इफेक्ट अभ्यंग का तो अपन को 900 मात्रा काल तक अपन को प्रॉपर अभ्यंग करना है। एज ऑफ अभ्यंग। देर इज नो एज फॉर एक्सटर्नल सनेन मसाज। इट एप्लीकेबल इन ऑल एजेस। मेथड अप्लाइड फॉर अभ्यंगा। अभ्यंगा शुड बी कंडक्ट विथ लुक वार्म मेडिकेटेड ऑयल और घी प्रिपेड विथ एरोमेटिक एंड दोषघन ड्रग सुटेबल टू द सीजन प्रकृति डिजीज और दोषों के अकॉर्डिंग अपन उसको घी और तेल से प्रिपेयर करेंगे। इट शुड बी अप्लाइड स्लोली जेंटली एंड इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर। अभ्यंगा इज कंडक्ट पर्टिकुलरली ऑन हेड लेग एंड ईयर डेज। फॉर द अभ्यंगा ऑन हेड कोल्ड और लुक वार्म ऑयल मे बी यूज बिकॉज हेड इज द प्लेस ऑफ ऑल सेंस एंड इट इज द कंसिडर इज द मोस्ट वाइटल पार्ट हेंस इट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट। अभ्यंगा ऑन लिम्स शुड बी अप्लाइड विथ वार्म ऑयल। इन दिस वे अभ्यंगा मे बी एडमिनिस्ट्रेटेड विथ वार्म ऑयल इन कोल्ड सीजन एड विथ कोल्ड ऑयल इन हॉट सीजन। अभ्यंगा मे बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ऑन रिलेटिवली बोर्ड एंड लार्ज ऑर्गन। इट शुड बी कंडक्ट इन राउंड पैटर्न ऑन जॉइंट्स लाइक एल्बो शोल्डर जॉइंट नी जॉइंट एंकल जॉइंट एंड लंबर जॉइंट। द अभ्यंगा शुड बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सेवन पोजिशन। अभ्यंग के लिए कितनी पोजिशन है सेवन पोजिशन। फर्स्ट है सिटिंग पोजिशन बैठाकर। सेकेंड है सुपाइन पोजिशन लाइंग ऑन बैक। थर्ड है लेफ्ट लेटरल लाइंग पोजिशन एंड फोर्थ है अगेन सुपाइन पोजिशन। फिफ्थ है राइट लेटरल लाइंग पोजिशन और सिक्स है सुपाइन पोजिशन और सेवन है वापस सिटिंग पोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल फिजिशियंस शुड हैव टू मेक एवरी फ्रेंडली एंड जेंटल टू द चाइल्ड। एटमोसफियर ऑफ द थेरेपी रूम शुड बी क्वाइट रेस्टफुल सूथिंग ब्रीज फ्री डिम लाइट एंड शुड हैव रिलैक्सिंग म्यूजिक। रूम शुड बी डेकोरेटेड विद टॉयज एंड कार्टून पोस्टर्स। दिस हेल्प टू रिलैक्स चिल्ड्रन इन रूम देयर फॉर दे कैन स्टे फॉर लिटिल मोर टाइम। फिजिशियन शुड बी मच अवे ड्यूरिंग गिविंग अभ्यंगा। दी हैव टू नोटिस डिसकंफर्टेबल इमीडिएटली। फिजिशियन शुड वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथ। शुड नॉट वेयर एनी आर्टिकल इन हैंड्स। हाफ स्लीव कोट इज एडवाइज एडविजिबल टू वेयर द थेरेपिस्ट। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग अभ्यंगा।
अभिंगा शुड बी स्टार्ट विथ क्लीन एंड वॉर्म हैंड्स बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द अभिंगा इट शुड बी नेसेसरी टू आस्क द गार्जियन टू अंडर द पेशेंट सो दैट बॉडी पार्ट आर एडिक्वेटली अनकवर्ड देन द ऑल एरिया विच आर गोइंग टू बी ट्रीटेड शुड बी एग्जामिन्ड बेड शुड बी कंफर्टेबल एंड ऑफ सॉलिड सरफेस कवर्ड विथ फ्रेश लाइन एंड प्लास्टिक सीट जनरलाइज एंड लोकलाइज बोथ अभिंगा रिक्वायर अप्रोप्रिएट पोस्चर ड्यूरिंग प्रोसीजर जनरलाइज टाइप ऑफ अभिंगा शुड बी गिवन फर्स्टली इन सुपाइन देन प्रोन पोजिशन स्पेशली फॉर इन्फेंट्स एंड वेरी यंग चिल्ड्रन इन ओल्डर चिल्ड्रन सिटिंग लाइंग ऑन बोथ लेटरल ऑल्सो एप्लीकेबल पोस्चर नॉर्मली 35 से 60 मिनट आर सफिशियंट रिस्ट्रेच सो मोर टाइमिंग आल्सो फॉर जनरलाइज मसाज बट वेन इट इज लोकल अप्लाइड देन 15 से 20 मिनट आर इनफ अबिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जस्ट आफ्टर हैविंग मील मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम इज गुड फॉर अबिंगा अकॉर्डिंग टू सुश्रुता सॉविंग द टाइप थिकनेस एंड अरिष्ट रोग ऑफ त्वचा अब अवभासिनी स्किन है स्किन के टाइप बता रखे इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 7 है फर्स्ट है अवभासिनी अवभासिनी की जो थिकनेस है वो क्या है 1/18 ऑफ द वृणी वृणी जो होता है उसका 1/18 वाला पार्ट है अवभासिनी का और कौन से रोग उसमें आश्रित रहते हैं सिद्म और पद्मकाटक याद रखना जो स्किन बताई है सुश्रुता 7 टाइप की तो फर्स्ट है अवभासिनी अवभासिनी की जो मोटाई है वो वृणी है वृणी गेहूं जो होता है उसका 1/18 है और उसमें कौन कौन से रोग आश्रित रहते हैं सिद्म और पद्मकंटक सेकेंड है लोहिता लोहिता की जो थिकनेस है वो है वृणी की 1/16 एंड उसमें कौन कौन से रोग आश्रित रहते हैं तिलकलक नेंच और वेंग फिर है श्वेता श्वेता वृणी का 1/12 पार्ट है कि मोटाई है उसमें चर्मदल और अजगलिका और मशक रोग आश्रित रहते हैं देन है श्वेतन ताम्र ताम्र वृणी की 1/8 पार्ट मोटाई है उसमें किलास और कुष्ठ रोग आश्रित रहते हैं फिर है वेदिनी वेदिनी वृणी का 1/5 पार्ट है जिसमें रोग रहता है कुष्ठ एंड विसर्प रोग आश्रित रहते हैं देन है रोहिणी रोहिणी एक व्रीहि की मोटाई की है जिसमें ग्रंथि अर्बुद गलगंड अपच्य और श्रीपद रोग आश्रित रहते हैं देन नेक्स्ट है मांसधारा मांसधारा 2 वृणी की मोटाई है उसमें बघंद विदर्दी और अर्श रोग आश्रित रहते हैं ये जो टेबल है ये एमडी के लिए पीजी यूजी के लिए सबके लिए बेस्ट है इम्पोर्टेंट है ये बच्चों अकॉर्डिंग टू चरका सोविंग द टाइप एंड अरिष्ट रोग ऑफ त्वच अब इन्होंने लेयर बता रखी है कि उदक धारा अश्रक धारा थर्ड लेयर फोर्थ लेयर फिफ्थ लेयर और सिक्स लेयर किसके है चरक के अकॉर्डिंग तो आश्रित रोग इनमें तो नहीं बता रहे थर्ड लेयर में बता रहा है सिद्म और क्लास एंड फोर्थ लेयर में दद्रु एंड कुष्ठ एंड फिफ्थ लेयर में अलजी एंड विदर्दी एंड सिक्स लेयर में अरुंधतिका साध्य स्नेह इट इज बेनिफिशियल इन इमीडिएट ऑयलेशन इन चिल्ड्रन ओल्ड एज पीपल पीपल हु आर नॉट एंगेज यूजफुल प्रिपरेशन फॉर इमीडिएट ऑयलेशन मांसरस एंड जो घी है प्रिपेयर विद मिल्क घी पिपली घी तेल पिष्टी मांसरस वरारस रोकसाल शुड बी एडेड इन ऑल प्रिपरेशन फॉर इमीडिएट ऑयलेशन पंच प्रसर्त की पेया इट इज प्रिपरेशन ऑफ सर्पी तेल वसा मजा एंड राइस प्रशस्ति मात्रा ऑफ ईच इट
प्रोड्यूस इमीडिएट ऑयलेशन इन बॉडी। इन्होंने बता रखी है सबसे अच्छे ऑयलेशन के लिए पंच प्रशस्त की पेया। तो पांच चीजें होगी, सब एक एक प्रशस्त में होगी। चार तो हो जाएगी घृत तेल, वास घृत तेल, मांस, वसा, मजा, एंड फिफ्थ हो जाएगी राइस। प्रोसीजर ऑफ शोधन एंड समन स्नेह। शोधन स्नेह है, शोधन स्नेह जो ऑल्सो नॉन एज मंद विभ्रंशन, मध्यम मात्रा ऑफ स्नेह इंट्रोड्यूस, वाक बटा है डिस्क्राइब, उत्तम मात्रा ऑफ स्नेह आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रीवियस मील। समन मात्रा, समन स्नेह, इट पास थ्रू इमीडिएटली बॉडी चैनल एंड शुड बी यूज इन उत्तम मात्रा आफ्टर द डाइजेशन ऑफ लास्ट डे मील इन एम्प्टी स्टोमक विदाउट हैविंग मील व्हेन पेशेंट फील हंग्री अकॉर्डिंग टू वाक बटा। मध्यम मात्रा शुड इंट्रोड्यूस फॉर समन कर्म। अभिंग इज वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल ऑयलेशन थेरेपी विच इज डिस्क्राइब सर्विंग द वेरियस टाइप ऑफ मसाज। अब इन्होंने अलग अलग तरीके से, जैसे अपने 7 पॉइंट बता दिए थे कि मसाज करने के लिए, कि इन्होंने अलग अलग तरीके से भी बता रखे, जैसे स्ट्रोलिंग करना और रोलिंग करना, पिकिंग अप है, रिंगिंग है, शेकिंग है, सर्कुलर है, ट्रांसवर्स है, क्लैपिंग, हैकिंग, वाइब्रेशन, बीटिंग, पाउंडिंग, टेपिंग, ये सब अलग अलग है कि इसमें क्या क्या करना है अपन को। तो एक तरीके से अभिंग के ही अलग अलग पार्ट है। जैसे अपने अभ्यंग के बारे में बताया था, तो अपन को सिर्फ आयुर्वेदा के बारे में इतना अच्छा पढ़ा अपने। देन नेक्स्ट जो अभ्यंग के अदर जो टाइप बता रखे उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चरर में। थैंक यू सो मच, आई होप आपको सब समझ में आया।